हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का हमारा वीडियो, छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, 6 मिनट का, 6-7 मिनट आपको लगेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल मनोविज्ञान पर कुछ मैंने 10 पॉइंट कलेक्ट किए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा 22 दिसंबर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये पुराने प्रश्न हैं जो आ चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सर्वप्रथम 70 पर आप देख रहे हो मिरर ड्राइंग परीक्षण। मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त है? तो सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा, मिरर ड्राइंग परीक्षण जो होता है वो व्यक्तित्व से संबंधित एक टेस्ट है, ठीक है। आत्मनिरीक्षण से संबंधित है आपका ये टेस्ट, जो कि व्यक्तित्व से रिलेटेड है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतनी बात हुई। अब देखिएगा, 71 बोल रहा है माध्यिका क्या है। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है, ध्यान रखेंगे। हम लोगों ने जब माध्यिका और बहुलक का चैप्टर पढ़ा था, तो माध्यिका हम लोगों ने निकालना सीखी थी, जो बीच के पद जो होते थे आपके, उसी से रिलेटेड है आपका। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। दो बातें हो गई। अब थर्ड पॉइंट देखिएगा, 16 PF। PF का अर्थ होता है पर्सनालिटी फैक्टर। 16 PF टेस्ट कैटल ने दिया था, और कैटल ने अपने सिद्धांत में सील गुणों के बारे में जानकारी दी थी, और काफ़ी सारे कैटल ने स्टार्टिंग में बहुत सारे सील गुणों के बारे में बताया था, लेकिन उनके प्रयोगों के द्वारा सील गुण धीरे धीरे उनके 16 पर पहुंचे। तो फाइनली उनका जो टेस्ट फेमस जो था, 16 PF, किसने दिया? कैटल ने दिया था, जो कि व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट था, ध्यान रखेंगे, जो कि एक प्रक्षेपी टेस्ट नहीं है। इतनी सी बात ध्यान रखना है, 16 PF आपका जो टेस्ट है कैटल ने दिया है, और ये 16 PF आपका प्रोजेक्टिव या प्रक्षेपी नहीं है। जबकि हमें पता है TAT, थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT, CAT, SAT, नाम सुने आप लोगों ने, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्रॉ अ मैन टेस्ट जो होते हैं, तीनों प्रक्षेपी तकनीक हैं। एक बार आपको याद दिला दें, TAT का पूरा नाम थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बोलते हैं। फिर था आपका CAT, जिसे हम लोग चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, बाल अंतर्बोध परीक्षण। और एक और था आपका SAT, सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट, वयस्क अंतर्बोध परीक्षण, एस से सीनियर या वरिष्ठ। ये देख एक बार लिख देते हैं अपन लोग, TAT, CAT और SAT, तीनों आपके टेस्ट जो थे प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत शामिल किए जाते थे। यहाँ तक कि हरमन रोसार का स्याही धब्बा परीक्षण भी आपका प्रक्षेपी परीक्षण है। थोड़ा सा याद दिला दें, TAT को मॉर्गन ने दिया था आपका, मरे मॉर्गन ने दिया था, जबकि आपका TAT और SAT ल्यूपोल्ड बेलक का नाम आया था, जो कि आपके प्रक्षेपी टेस्ट हैं। तो ध्यान रखना है, 16 PF आपका प्रक्षेपी नहीं है। अब देखिएगा, 73 में किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर, या आप कोई काम कर रहे हो और वो काम नहीं हो पा रहा, इंटरप्शन आ रही है, या कर करके बीच में प्रॉब्लम आ जा रही है, वो काम नहीं हो पा रहा, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो संवेगिक तनाव जो होगा, वो क्या होता है आपका? कुंठा। कई बार कुंठा का अर्थ होता है आपको फ्रस्ट्रेशन, तरीके का फ्रस्ट्रेशन होना आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपके ये चारों के चारों। अब हम लोग अगले पर आते हैं। अब देखिएगा, 79 क्या बोल रहा है, जी वालस, इंपॉर्टेंट नाम है बहुत, मनोविज्ञान नहीं कराया तो ये एक बार जरूर देख लीजिएगा। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग का प्रथम चरण होता है उपक्रम, ध्यान रखेंगे, उपक्रम, ठीक है। अगर आपसे पूछे जी वॉलेस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है, तो ध्यान में रखना है उपक्रम। अब नेक्स्ट पे आते हैं आपका 80। जी वॉलेस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण हैं कितने? चार चरण हो, तीन चरण हैं आपके, उपक्रम, उद्भव और उद्भादन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए आए हुए हैं, ठीक है, जी वॉलेस का नाम आता है। अब नेक्स्ट पर आते हैं, सृजनशीलता की पहचान है तो किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है? टॉरेंस का नाम है, ध्यान में रखिएगा, ये पूरी की पूरी स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पेन कॉपी लेकर इसको नोट कर लें, और जिनको मैंने ये कक्षा में नहीं कराया था,
तो इसको अगर आप एक्सप्लेन और व्याख्या में चाहते हैं तो प्लीज जरूर बताइएगा। अभी हमारे पास समय कम है तो इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब देखिएगा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए। यह कथन है विलियम बुटवर्थ का, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सारे कलेक्ट नहीं किए हैं स्टेटमेंट, जो धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे, 22 का एग्जाम तक है। डेली आप इसको देखें, नोट करें, और धीरे धीरे एक स्टेप में चलना है हम लोग को। एक दिन में नहीं खाना सार सार, अगर ज़्यादा खाना खा लेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे करते चलें तो हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। अब देखिएगा, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैंने आपको किसान में रखी है, आपको ध्यान में रखना है। मूल प्रवृत्तियां, जिसके जन्मदाता विलियम मैकडोगल माने जाते हैं, जिन्होंने 14 संवेग दिए थे, मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने की कितनी विधियां हैं, सामने आपके सामने लिखा हुआ है। दमन, विलयन, मार्गांतरीकरण और शोधन। सिंपल सी आपको ध्यान में रखना है, मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने की विधियां हैं, होती हैं आपकी चार, दमन, विलयन, मार्गांतरीकरण और शोधन। आया हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि पूछे, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा शोधन विधि। बेस्ट प्रोसेस जो है आपका मूल प्रवृत्तियों में चेंज लाने का, सर्वश्रेष्ठ विधि शोधन विधि। ठीक है, अब एक और आपका पॉइंट है, देखिएगा ध्यान से। विलियम सॉरी विलियन विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन कैसे लाया जाता है, निषेध और विरोध के द्वारा। ठीक है, विरोध के द्वारा। इतना है आज का, मैंने आपसे बोला था कि लेक्चर को ज्यादा नहीं लेंगे, इतना ही है, तो इसको प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए एग्जाम है, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, तो प्लीज स्टूडेंट्स इनको जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र, अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र फॉर यू के माध्यम से चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और जीएस जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। सामान्य अध्ययन, एक विस्तृत अध्ययन जो हो है, उस पर हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय।